नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में। आप सभी को पता है कि 2022 का एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं इसके अंदर, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाती है। और खास करके अगर आप दिव्यांगजन हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जा रही है। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसके बाद हम नोटिफिकेशन को पूरे सही तरीके से रीड करेंगे और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी अच्छा है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको सिलेबस पैटर्न में भी चेंजेस मिलेगा, OH के बारे में भी इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, VI के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो सभी बातों के ऊपर हम आराम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप दिव्यांगजन हैं या आप कोई और भी हैं, तो अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो देखिए SSC अब काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। लगातार SSC के जितने भी फॉर्म हैं वो रिजेक्ट होते जा रहे हैं, कहीं फ़ोटो की वजह से, सिग्नेचर की वजह से, या सही तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन या स्क्राइब लें ना लें, और भी बहुत सारे चेंजेज़ हैं जो कि दिव्यांगजनों से संबंधित भी है, साथ ही साथ अदर जो हैंडीकैप हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, लास्ट में आपको कोई एरर देखने को ना मिले और सही तरीके से आपका एडमिट कार्ड आ जाए, तो आप हमारे पास अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है और जो आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप सिर्फ अपना, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कम चार्जेस पर ही हम आपको फॉर्म फिलअप कर देंगे। आपको जहाँ साइबर कैफे के पास जाने की जरूरत नहीं है या आप किसी भी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है हमारे पास कम चार्जेस में ही हम आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे और अच्छी तरीके से आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कोई गलती नहीं करेंगे, जिस तरीके से लगातार जो शॉप वाले हैं वो आपसे गलती करते हैं और बाद में फिर उसका जो हल जाना है वो आपको भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा, 8433447290, यानी कि 8433447290। इस पर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, और उसके बाद हम आपको उस पर जो है चार्जेस बता देंगे कि आप जो है इतना हमें पे कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हमारी भी मेहनत लगती है, हमारा भी एफर्ट लगता है, और जिनसे हम फिलअप कराएंगे हम उन्हें बैठा करके, उनको भी हमें कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस नंबर पर आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपका फॉर्म हम फिलअप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी हैंडीकैप की फ़ीस तो जीरो ही है, लेकिन इतना बड़ा कोई चार्ज हम उनसे अमाउंट नहीं लेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब, इसके बाद आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं और डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 17/9 से आपके फॉर्म फिलअप होंगे और 8/10 आपका लास्ट डेट होगा। ठीक है, और जो इसका करेक्शन फॉर्म होगा वो 12/10/2022 से 13/10/2022 को होगा, यानी कि कुछ गलतियां हो गई और आप उनको चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उसके उसमें चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा लग जाता है बाद में। इसमें ग्रुप और बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं, इन्होंने कहा हुआ है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें इसके अंदर हैं। देखिए सभी पोस्टों को इन्होंने दिया हुआ है कि लेवल 8 की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है, सब पोस्टों को पूरे डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। और कितनी सैलरी इसमें बनेगी आपकी, तो लगभग इसमें 47,600, इसमें 44,900 सैलरी आपको मिलेगी बेसिक पे। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें अलाउंस जुड़ते हैं तो और ज़्यादा आपकी सैलरी इसमें बढ़ जाती है, लेवल 6 और लेवल 5। लेवल 5 से लगा करके आपकी सैलरी, आपकी जो है इसमें लेवल हैं वो 5 से लगा करके 8 तक हैं। ठीक है, इससे नीचे की पोस्ट इसमें नहीं है, यानी कि काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, सभी पोस्ट बिल्कुल अच्छी पोस्ट हैं जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है और काफ़ी आपकी अच्छी, हाँ सॉरी, देखिए इसमें लेवल 4 भी है, लेवल 4 से लगा करके लेवल 8 तक की है। इसमें टैक्स असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट भी ग्रुप सी का है और 18 से 27 एज इसकी है, और बाकियों की एज जो है वो आपकी 32 साल है मैक्सिमम JSO की, और कुछ की आपके 30 साल हैं, तो इतनी जो है आपकी इसमें एज रहेगी। और वहीं रिलैक्सेशन की बात कर लेंगे हम, तो PWD को अगर आप जर्नल से हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और अगर आप OBC से हैं तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है PWD कैटेगरी के अंदर, और आप SC ST से हैं 15 साल का, और आप SC से हैं 15 साल 5 साल, और OBC है नॉर्मल आप 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। चलिए और चर्चा कर लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा दिव्यांगजनों के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ ए कैंडिडेट अडॉप्ट फॉर हिज ओन स्क्राइब, इन दैट केस द स्क्राइब शुड नॉट बी ए कैंडिडेट इन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इफ़ ए कैंडिडेट इज डेडिकेटेड असिस्टेंट इन अनदर PWD कैंडिडेट एज स्क्राइब इन द एग्जामिनेशन,
देन द कैंडिडेट ऑफ बोथ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो यानी कि आपको जो PWD से अलग हैं आप, तो आप उसको लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, और वहाँ पर भी इसमें देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप नो अटेंडेंट अदर देन द स्क्राइब फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो आप अपने जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको वहीं पर ही स्क्राइब मिलेगा, आप बाहर से स्क्राइब मत लेकर के जाइएगा, और आपको 20 मिनट मिलेगी अगर आप स्क्राइब नहीं लेकर के जाते हो। और आप एलिजिबल हैं पारा नंबर 7.1 और 7.2 के हिसाब से, तो आप जो है आपको तब भी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। यानी कि आपको प्रॉब्लम है, यानी कि जिस तरीके से जो हैंड प्रॉब्लम वाले दिव्यांगजन हैं और VI वाले दिव्यांगजन हैं, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो स्क्राइब नहीं भी लेकर के जाते तब भी, और स्क्राइब लेकर के जाते हैं तो अच्छी बात है, और वो स्क्राइब वहीं पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी लेकर के गए तो वहाँ पर आपको स्क्राइब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें बात करेंगे हम आगे, जो आपकी फ़ीस रहेगी वो जनरल और OBC की 100 रुपये रहेगी, बाकी आपकी वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विस मैन, इनकी आपकी 0 फीस रहेगी। सेंटर आप वही सेम जो पहले डालते थे, जो भी आपके आसपास हो वो डाल सकते हैं। इसमें दो आपके टेस्ट होंगे, अब की बार Tier 1 होगा और आपका Tier 2 होगा। जो Tier 1 होगा, देखिए मैं बता दूं आपको, वो इसमें नॉर्मलाइज तो होगा ही होगा, साथ में ये क्या है आपका क्वालिफाइंग नेचर है। अब की बार जो है आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई कौन सा, जो CBT 1 है। ठीक है, यानी कि Tier 1 है जो अब की बार आपका क्वालिफाई होगा, और पिछली बार जो था उसके मार्क्स जुड़ते थे लास्ट तक, लेकिन अब की बार सिर्फ क्वालिफाई है। सिलेबस आपका वही रहेगा सेम जो पहले था, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश 25-25 मार्क्स के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 0.50 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब Tier 2 के बारे में जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए Tier 2 में आपको क्या होगा, अब आपको सेक्शन खुलेंगे, सबसे पहले आपके जिस तरीके से बैंकिंग में खुलते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सेक्शन खुलेंगे। मैथ और रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा पहले 1 घंटे के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग करनी होगी, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 रीजनिंग के होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होती है आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन 2 आएगा, जो कि अगले नेक्स्ट आपका घंटे में खुलेगा। ठीक है, तो वो आपका 45 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मिनट के रहेंगे। तो इसमें भी आपको लगभग एक घंटा मिलेगा, और 70 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक, 210 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए, अब की बार कंप्यूटर भी इसमें ऐड कर दिया है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे, 20 × 3 यानी कि 60 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तीसरा इसमें यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी दे दिया इन्होंने, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, जो कि आपका टाइपिंग रहेगा। और टाइपिंग किस तरीके से रहेगा, 15 मिनट में आपको 2000 की स्ट्रोक दबाने होंगे। ठीक है, जैसे NTPC के अंदर 1500 की स्ट्रोक थे, इस तरीके से इसमें 2000 है, 15 मिनट वहाँ 10 मिनट में था। तो Tier 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग Paper 1, Paper 2 and Paper 3 इन सेपरेट डे। ठीक है, एक ही दिन में आपका तीनों इसमें हो जाएंगे, Paper 1, Paper 2, Paper 3। ठीक है, Paper 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, Paper 1 तो आपको देना पड़ेगा सभी पोस्टों के लिए। Paper 2 जो होगा आपका वो JSO के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको JSO की पोस्ट मिल जाती है तो। Paper 3 आपका इन पोस्टों के लिए रहेगा, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। Paper 1 के लिए जो मॉड्यूल दिए हुए हैं उसमें आपको Section 3 के अंदर 3 मॉड्यूल हैं, कंप्यूटर बेस्ड और आपका टाइपिंग रहेगा, यानी कि कंप्यूटर को भी इन्होंने काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दे दी है अब की बार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है इसमें आपका देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, OH कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन फॉर अटेम्प्टिंग DST यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो है आपका वो एग्जम्प्ट होगा किसका, OH कैटेगरी का। प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट सबमिट ए सेपरेट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एनेक्सर XVI आप बनवा लीजिएगा, टू द कमीशन फ्रॉम द कंपोटेंट मेडिकल अथॉरिटी, द सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डिक्लेयरिंग, देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, डिक्लेयरिंग हिम टू बी परमानेंटली अनफिट फॉर द टाइपिंग टेस्ट बिकॉज ए फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि आपके अंदर ऐसी डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, आपको जो है वो डिक्लेयर करेगा कि हाँ ये पर्सन जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकता। तो हाउएवर सच एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द पोस्ट वेयर आइदर कंप्यूटर एफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब मेंशन पारा 13.8 और DEST इज प्रिस्क्राइब मेंशन पारा 13.8.11.4 एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट टैक्स असिस्टेंट CBT
फॉर द विच एग्जामेशन अटेम्प्टेड DST इज अवेलेबल, ऑल अदर PWD आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामेशन पोस्ट DST। देखिए इसका मतलब क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जामेशन मिलेगी किन कैटेगरी किसे, जो कि आपका मेडिकल सर्जन रहेगा वो आपको डिक्लेयर करेगा कि हाँ आप वाकई में ही प्रॉब्लम में हैं और आप टाइपिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग टाइपिंग कर सकते हैं उसके बाद उनका इसके जो एनेक्सर XVI है ये, इसमें आपको फ़ोटो भी चिपकानी पड़ेगी और फ़ोटो वही चिपकेगी जिसको आपको प्रॉब्लम है, और आपको लिखना भी पड़ेगा आपको प्रॉब्लम किस पार्ट में है, कैसी है, आपको लेग में है, हैंड में है। तो देखिए अगर आपके हैंड में है और आप तो आप जो है टाइपिंग नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर को लगा कि आपको कुछ और प्रॉब्लम है और आपको टाइपिंग में दिक्कत है, आपको बैठने में प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी टाइपिंग एग्जम्प्ट हो सकती है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि PWD कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब, जो PWD कैंडिडेट स्क्राइब लेकर के जाएगा उनको ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डाउल एडिशनल कंपनसेटरी टाइम ऑफ 5 मिनट, उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी इन DST ओनली। ओनली दूज VH कैंडिडेट हुड फॉर स्क्राइब इन रिटर्न एग्जाम विल बी प्रोवाइड पैसेसी रीडर एट द टाइम। देखिए जो भी अब की बार ये इसमें VI कैंडिडेट हैं, उन VI कैंडिडेट को 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी और स्क्राइब मिले के लिए स्क्राइब मिलेगा उन्हें, तो ताकि वो रीड कर सकें, ठीक है, उनको रीड करने के लिए स्क्राइब मिलेगा और 5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे उनको। ये सब सिलेबस दिया हुआ है जो कि आपको नॉर्मल सभी को पता ही है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा डिटेल में जो है सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है। चलिए ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आपको दिया हुआ है। इसमें मैं आपको एनेक्सर XVI भी दिखा दूंगा। देखिए फ़ोटो देख लीजिएगा, फ़ोटो में वही सेम आप गलती मत कीजिएगा। फ़ोटो में आपको जो है इसमें ना तो आपको इस तरीके से कोई चेहरा ब्लर करना है, ना इस तरीके से करना है, ना कैप ओढ़नी है, ना ऐसे ब्लर करना है, ना इस तरीके से करना है, ना इस तरीके से करना है, ये सब गलत हैं, सब रॉन्ग है। कुछ भी नहीं करना आपको, कोई भी आपको चश्मा भी नहीं लगाना नॉर्मल भी, और आपको जो है स्टाइलिश चश्मा ये भी नहीं लगाना आपको, ठीक है, इस तरीके से चश्मा भी नहीं लगाना आपको। जो आपको करना है वो सिर्फ इस तरीके के नॉर्मल जो है इसमें दोनों ईयर आपके दिख रहे हो, आपके बाल दिख रहे हो, आपका बिल्कुल सिंपल सा फेस हो, सॉरी मतलब सिंपल फ़ोटो हो, ठीक है, जिसमें कि आपका ईयर दिखने चाहिए और आपका जो है चश्मा नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, ना ही आपका कैप होना चाहिए, ना आप तिरछे लगाने होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से आप फिट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एनेक्सल जो है आपको XVI दिखाना है मुझे अभी। एनेक्सल थर्ड फ्रेम आ चुके हैं, एनेक्सल वी, अब आएगा आपका एनेक्सल XVI। देखिए इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट ये स्किल टेस्ट के लिए है, ठीक है, CGL में एग्जामिनेशन लेने के लिए। तो इसमें आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी लिखनी पड़ेगी कितनी है, कितने परसेंट है और क्या डिसेबिलिटी है आपको। ब्रीफ में आपको पूरा डाटा इसमें देना पड़ेगा, सिग्नेचर लगेंगे इसमें, ऑफिशियल स्टैंप लगेगी और यहाँ पर फोटोग्राफ लगेगा। देखिए फोटोग्राफ में भी क्या कहा है, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट क्लियरली शोइंग फेस विद अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो भी आपका पार्ट है अफेक्टेड उसकी आपको फ़ोटो इस पर लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है पूरा आपका से जो CGL का है नोटिफिकेशन है, और इसमें आपको पहले Tier 1 देना है, Tier 2 देना है, Tier 2 के साथ साथ ही आपको टाइपिंग स्किल की स्किल भी इसमें देनी है, तब जाकर के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। और Paper 2 भी अगर आपका है तो Paper 2 देना पड़ेगा, उसके लिए आपको BCom या फिर BSc में 60% और 12th में मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा आपको इसमें और कोई ज़्यादा नहीं करना। आपको GSC की पोस्ट लेनी है तो आपको फिर दूसरा पेपर देना पड़ेगा BCom के लिए। ठीक है दोस्तों, बाकी चैनल पर बने रहिएगा। और मैं ही कहना चाहूँगा अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फिर लास्ट में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हमारे इस नंबर पर 8433447290 पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें फॉर्म फिलअप कराना है। तो फॉर्म फिलअप कराने के लिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म जरूर फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।